हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ अजय और आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ रियल क्रिकेट 24 के बॉलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके मदद से आप जो है विकेट ले सकते हो मिडिल ओवर और डेथ ओवर में, ठीक है। और इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो है विकेट वगैरह चटका सकते हो, बॉलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो वीडियो को जो आखिर तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज रियल क्रिकेट 24 के बैटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो अगर आप अभी तक देखा नहीं है तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा मैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं जो है पावर प्ले के बाद जो है ना कौन सा लाइन और लाइन से गेंदबाजी करेंगे तो आपको विकेट मिलेगा, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले बॉलिंग करने से पहले आपको फील्ड में पे जाना है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा टॉप में। और यहाँ पर देख सकते हो डिफेंड 5 को ले लेना है। यहाँ पर जो एरो दिख रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप जो है बदलाव कर सकते हो। उसके बाद लाइन और लेंथ कहाँ पर रख रहा हूँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन के बाहर थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है और आपको कटर बॉल डालना है, ठीक है। अंदर की तरफ गेंद जाना चाहिए, यहाँ पर इनस्विंग कर रहा हूँ लेकिन आपको कटर डालना है। और आपको थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से तीन चार गेंद कहीं पे भी डाल सकते हो। उसके बाद आप जो है कटर बॉल डालना है, ठीक है। तो आखिर के 3 गेंद पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कटर बॉल डालने की कोशिश करिए। और तो गाइस लाइन और लेंथ देख सकते हो ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर रखना है और यॉर्कर लेंथ बॉल रखना है गाइस यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। और गाइस बॉलिंग टाइप आपको क्या करना है, ऑफ कटर डालना है, ठीक है। ऑफ कटर डालिए, लेफ्ट हैंड अगर बल्लेबाज रहेगा तो ऑफ कटर डालिए, और राइट हैंड बल्लेबाज रहेगा तो आपको भी वहाँ पर भी ऑफ कटर ही डालना है। और स्पीड गाइज आप मीडियम रखिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम रखिए, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और देख सकते हो गाइज डिफिकल्टी लेवल में मीडियम पे खेल रहा हूँ, और आप चाहे तो भाई हार्डकोर भी खेलते हो तो इसी ट्रिक्स को यूज़ करके विकेट वगैरह चटका सकते हो। और भी गाइज बहुत सारा अलग अलग विकेट वगैरह निकाल के दिखाने वाला, तो वीडियो को जो आखिर तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज जो है और भी बहुत सारा विकेट वगैरह निकाल के दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर इस बार जो है मैं इनस्विंग कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफस्टंप की लाइन पे ही बॉलिंग कर रहा हूँ मैं इनस्विंग। अब कटर भी डाल सकते हो, इनस्विंग भी कर सकते हो बीच बीच में। और इस बार बल्लेबाज ने शॉट खेला और लॉन्ग ऑन की तरफ जो फील्डर था वहीं पर आउट हुआ, देख सकते हो। इसलिए जो फील्ड मैप पे गाइज आप नज़र डालेंगे तो जहाँ जहाँ पर फील्डर है ना वहीं वहीं पर बल्लेबाज शॉट खेलेंगे, उसके हिसाब से आप जो गेंदबाजी करना होता है तभी आपको विकेट मिलता है। और आप देख सकते हो एक और विकेट। और तो यहाँ पर गाइज आप लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से, और अगर आप चाहे तो गाइज पावर प्ले के अंदर भी आप इसी तरह से गेंदबाजी कर सकते हो, ठीक है। कटर भी डाल सकते हो और बीच बीच में इनस्विंग कर सकते हो, मतलब आपको गेंद पड़ के अंदर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो इस बार भी मतलब स्टंप लाइन पर आपको गेंदबाजी करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मौका बनेगा, आपका विकेट मिल सकता है। और इसी लाइन लाइन से आपको गेंदबाजी करना है। अभी भी गाइज बहुत सारा विकेट निकाल के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को जो अंत तक देखिए। और यहाँ पर तो अब गाइज बल्लेबाजी के लिए आए राइट हैंड बल्लेबाज एडम मार्करम, और देखते हैं यहाँ पर गाइज कुछ और विकेट वगैरह निकाल के दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो। अभी फील्ड में पे थोड़ा बहुत मैं बदलाव करने वाला हूँ, यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा अपने हिसाब से भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बहुत बदलाव करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक दो बदलाव करने वाला हूँ। और आप चाहे तो अपने हिसाब से भी जो है फील्डिंग सेटअप को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर डिफेंड 5 को ही रखना है, ठीक है, और एक दो फील्डर को आप बदलाव कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो फील्डर है ना अंदर लेके आया है, और ये फाइन लेग का फील्डर मतलब फाइन लेग को पीछे ले गया मैं। और अब यहाँ पर भी देख सकते हो मैं जो है लाइन और लेंथ बिल्कुल वहीं पर रख रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप बदलाव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी इन स्विंग गेंद कर रहा हूँ, ठीक है, आउट स्विंग है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, ये गेंद जाएगी अंदर की तरफ। इस बार भी हवा में बल्लेबाज ने खेला और सीधा फील्डर के हाथों में गेंद गई, एक और झटका। तो इसी लाइन लेंथ से गाइज आपको विकेट मिलेगा। गाइज मैं अभी विकेट वगैरह ले रहा हूँ, आप भी अगर इसी तरह से गेंदबाजी करोगे तो वही विकेट जरूर मिलेगा। आप देख सकते हो और भी विकेट वगैरह लेके दिखाने वाला हूँ। स्पिनर से भी आप कैसे विकेट ले सकते हो स्पिन गेंदबाजों से, तो उसका भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप जो है वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड को, तभी मैं वीडियो लेके आऊँगा। और भी टेस्ट क्रिकेट में कैसे विकेट ले सकते हो उसका वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, सपोर्ट दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो और कमेंट करो यार सब लोग, ठीक है। और कौन सा वीडियो चाहिए हो उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, देख सकते हो गाइज यहाँ पर एक और बल्लेबाज है, बल्लेबाजी के लिए आए क्लासन, और अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक और विकेट निकालने की कोशिश करेंगे अब। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन के बाहर फिर से रखा हूँ टप्पा, इनस्विंग गेंद है, ठीक है, साधुल ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर गेंद पड़ के जाएगी अंदर की तरफ, यॉर्कर लेंथ बॉल है। इस बार भी बल्लेबाज ने हवा में खेला और सीधा फील्डर के हाथों में गई गेंद, और इसी के साथ एक और विकेट गाइज। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये जो बॉलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है
डेथ ओवर में भी आप इसी तरह से गेंदबाजी कर सकते हो, मिडिल ओवर में भी, पावर प्ले के बाद भी बॉलिंग कर सकते हो, और आखिरी के ओवर में भी इसी तरह से गेंदबाजी करके विकेट वगैरह ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड को किसी भी तरह का सवाल सुझाव नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि RC24 के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ आप सबके लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।